नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। कालावाली के विधायक बलकौर सिंह ने बहुत ही नजदीकी मित्र गुरमेल सिंह खालसा ने हलोपा प्रतिनिधि निर्मल सिंह मुल्डी के समाज सेवी कार्यों से प्रभावित होकर के कल हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मिलकर के हलोपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यह खबर सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रही है, परंतु आज सुबह इस खबर ने एक नया मोड़ ले लिया। विधायक बलकौर सिंह ने निजी सचिव जर्नैल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट डाली, जिसमें विधायक बलकौर सिंह हलोपा ज्वाइन करने वाले गुरमेल सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जर्नैल सिंह ने फोटो के साथ में एक पोस्ट लिखा है कि गुरमेल सिंह खालसा की हलोपा ज्वाइन करने की खबर को बिल्कुल गलत माना जाए, वह गलत है। वह कल किसी काम के लिए अपने दोस्तों के यहाँ सिरसा गए थे और वहाँ अपने दोस्तों ने गोपाल कांडा से मिलने का मन बना लिया और फोटो ऐप भी पर डाल दी। वह कल भी बलकौर सिंह के साथ थे और आज भी बलकौर सिंह के साथ ही हैं। इस प्रकार का दावा उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया पे किया था, परंतु दोपहर के बाद में बाजी पूरी तरह से पलट गई और सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, जब गुरमेल सिंह खालसा व हलोपा प्रतिनिधि निर्मल सिंह मल्डी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके सब कुछ क्लियर कर दिया। गुरमेल सिंह खालसा ने बताया कि उन्होंने कल निर्मल सिंह मल्डी के समाज सेवी कार्यों से प्रभावित होकर के हलोपा ज्वाइन की थी और आज भी वे हलोपा परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि आज विधायक बलकौर सिंह उनके घर आए थे और उनके साथी ने फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। मैंने हलोपा ज्वाइन नहीं की और मैं आज बलकौर सिंह के साथ हूं। मैं इस खबर का खंडन करता हूं। मैं निर्मल सिंह मल्टी के साथ हूं और हलोपा परिवार का एक सदस्य हूं। वहीं कालावाली के हलोपा प्रतिनिधि निर्मल सिंह मल्टी ने कहा कि आज कालावाली में उनके बढ़ते जनाधार को लेकर के विधायक बलकौर सिंह बौखलाए हुए हैं, जिस कारण वह ऐसी हरकतें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। मैं साहब साढ़े नाल गए हैं जी, साढ़े कह रहे थे भी तुझे समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी बंदे हैं, तुहाडे नाल है। हुण तुसीं तुहानूं कहड़ी पार्टी दे विच तो असीं समझे भी तुसीं कहड़ी पार्टी दे विच होंगे। कल ज्वाइन कीती है हलोपा जी, हलोपा असीं हलोपा जी तुहानूं मन्नी वी हलोपा च होंगे। हाँ जी, लोकां दे विच इहनां दी पार्टी दा जनाधार बिलकुल खतम है। किसी जबरदस्ती नाल नहीं गए या किसी ने कोई गुमराह नहीं किया। ठीक है, जो अजे पा रहे ना फेसबुक से, यह गलत है, ये गुमराह करके ले गए है। या कोई कल गुरमेल सिंह गुमराह करके लै गए इतने मिलने बहाने निर्मल सिंह मल्टी जी, आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पहला नंबर तो यह गल है जी, मैनु इस गल तो एक ना बहुत बड़ी शर्म महसूस हो रही है। एक इन्नी वड्डी डेजिनेशन सरदार बलकौर सिंह जी इस इलाके के एम एल ए आ, अगर उसनों कोई भी उसकी पार्टी को जां बलकौर सिंह नूं छड्ड के जा रहे हैं तो उसदे विच कोई कमी है। कमी यह है भी क्योंकि यह पार्टी ना किसी का सत्कार करती है ना किसी की इज्जत करती है। इस तरह लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए बलकौर सिंह ने। झूठिया झूठ लिखे एक अमृतधारी इंसान होने के नाते वो एडा वड्डा झूठ लिखा रहा जो कि सामने आ रहा। बलकौर सिंह सरासर एक नंबर का झूठा बंदा जो किसी के मेरे हिसाब नाल कदे कोई काम ही नहीं आ सकता। और एक सब तो बड़ी गल यह है जी, जदों पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई तो इलाके के लोगों ने कहा भी तू पंजाब दे नाल है कि तू साडे हरियाणे दे नाल है कि सिखां दे नाल है। अज तक इस बंदे ने यह जवाब नहीं दिता। एस वाई एल के मुद्दे से अज तक यह बात जो बादल सरकार इन बना के गई है, अज तक एस वाई एल के मुद्दे से जो अनैलो ये हम ड्रामा कर रही है भी असं एस वाई एल का पानी लेके आवेंगे। बलकौर सिंह ने एस वाई एल के मुद्दे से एक बार भी कदे बोलिया हो
ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ।